तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं आज वाराणसी के दौरे पर रहने वाले हैं। तीसरी बार पीएम बनने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र में पहली बार पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसको लेकर तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। 25,000 किसानों से पीएम मोदी जो है वो संवाद करने वाले हैं। किसानों को 20,000 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जो है वो जारी की जाएगी। डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड भी आज पीएम जो है वो लॉन्च करेंगे। वाराणसी में पीएम के भव्य स्वागत की भी तैयारी है। तो देखिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आज है अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि मोदी लगभग 18 घंटे तक अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये भी मिल रही है कि मोदी देर रात काशी में चल रहे विकास कार्यों का भी निरीक्षण कर सकते हैं। वाराणसी में पीएम मोदी के कार्यक्रम की टाइमलाइन क्या है वो अब आपको बताते हैं। देखिए, 4:15 पर शाम को किसान सम्मान सम्मेलन होगा। उसके बाद 6:15 काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे पीएम, और शाम 7:00 दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती, वाराणसी के बिरला हाउस रात्रि प्रवास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये पीएम मोदी का कार्यक्रम रहने वाला है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वायनाड या फिर रायबरेली, इसको लेकर के जो सस्पेंस था वो राहुल गांधी ने अब उसे क्लियर कर लिया है। वायनाड को बाय बाय बोल के रायबरेली को स्वीकार कर लिया है। दरअसल वायनाड से कांग्रेस ने अब प्रियंका को लड़ाने का ऐलान कर दिया है। वहीं बीजेपी ये कहकर राहुल को घेर रही है कि राहुल ने वायनाड को धोखा दिया है। रिपोर्ट देखिए। चुनावी जीत के बाद रायबरेली और वायनाड का दौरा कर जो बात राहुल नहीं कह पाए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वो फैसला दुनिया को सुना दिया। राहुल रायबरेली नहीं छोड़ेंगे और वायनाड की सियासी विरासत बहन प्रियंका संभालेंगी। वहाँ के लोगों का भी कहना है और पार्टी के लोगों का भी कहना है कि पार्टी के लिए ये अच्छा होगा कि रायबरेली सीट वो रिटेन करे। मल्लिकार्जुन खड़गे के ऐलान के बाद कांग्रेस नेता दावा करने लगे हैं कि वायनाड में प्रियंका 5,00,000 के रिकॉर्ड वोटों से जीतेगी। वहीं बीजेपी राहुल को ये कहकर घेर रही है कि जिस वायनाड ने उन्हें अमेठी हारने के बाद बचाया, राहुल अब उसे धोखा दे रहे हैं। अगर इमोशनल कनेक्शन था तो वायनाड में रहते ना, जिस वायनाड ने आपको बचाया, जब आप अमेठी से हार गए तब वायनाड ने आपको जिताया, तो आप वहां रहते और रायबरेली आप प्रियंका वाड्रा को दे देते, अगर ऐसे ही मन में आपके लिए अपनी बहन के प्रति प्यार था। तो उनका अमेठी से लगाव था, अब अमेठी से मोह भंग हो गया। अब वो जानते हैं कि रायबरेली में अगर इस्तीफा दिया तो दोबारा जीतने की स्थिति नहीं है। बीजेपी दावा कर रही है कि राहुल की तरह प्रियंका की भी चुनावी राजनीति की राह आसान नहीं रहने वाली। तो कांग्रेस जवाब में कह रही है, नतीजे आईना दिखाएंगे। प्रियंका गांधी लड़े, शुभकामनाएं। हालांकि चुनाव आसान नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि हम भी पूरी ताकत से लड़ेंगे, कम्युनिस्ट भी लड़ेगी, हालांकि मुस्लिम लीग का सपोर्ट तो नहीं को रहेगा। लेकिन अगर जीत गई गलती से तो लोकसभा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि किस इंटेंशन से उनको लड़वाया गया है। और लोकसभा में भाई बहन के बीच में कॉम्पिटिशन होगा, स्पर्धा होगी, ज्यादा नकारा कौन है। वो एक बहुत ही कर्मठ, बहुत सुयोग्य नेत्री है। परिवार की तरह उनका भाव रहता है, हम लोगों से परिवार का भाव, और निश्चित तौर से वो पूरे समाज को जोड़ने में कामयाब होंगी और कांग्रेस को बहुत मजबूत करेंगी। राहुल के वायनाड सीट छोड़ने के बाद वहां उपचुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। वहां से अपनी चुनावी पारी शुरू करने जा रही प्रियंका कह रही हैं कि मैं वायनाड को राहुल की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। दोनों को दो सांसद मिल रहे हैं। और चलिए बात करेंगे ट्रेन हादसे की। दार्जिलिंग ट्रेन हादसे से जुड़ी जो बड़ी खबर मिल रही है कि 12 घंटे के भीतर ट्रैक को चालू कर लिया गया है। जी हाँ, कल दार्जिलिंग में ट्रेन हादसा हुआ था। यहाँ एक्सप्रेस ट्रेन के साथ मालगाड़ी की टक्कर हुई थी, जिसके बाद बताया जा रहा है 12 घंटे के भीतर ट्रैक को चालू कर लिया गया है। और आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में मालगाड़ी की टक्कर लगने के कारण ही यहाँ पर कंचनजंगा एक्सप्रेस के पीछे के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए थे, जिसमें 9 यात्री मारे गए और 32 यात्री घायल हो गए। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका बरकरार है। रेलवे के आंतरिक दस्तावेज से ये पता चला कि कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मारने वाली मालगाड़ी को स्वचालित नाकाम हो जाने के कारण ही सभी लाल सिग्नल पार करने की मंजूरी दी गई थी। और विपक्ष ने इस हादसे को लेकर के रेल मंत्रालय पर घोर कुप्रबंधन का आरोप भी लगाया है।
लगभग जो लोग इंजर्ड हुए थे लगभग 47 के करीब, ज्यादातर लोगों की स्थिति सुधर रही है, सुधार बहुत हुआ है और तीन अभी तक आईसीयू में है, तीन पेशेंट अभी तक आईसीयू है और एक बच्ची पीकू में है। तीन चारों के अलावा बाकी सब लोग बहुत जल्द स्वस्थ होकर घर लौटेंगे। और आपको याद होगा ईवीएम को लेकर के महाराष्ट्र के एक अखबार में खबर छपी थी जिसको लेकर के महाराष्ट्र के अखबार ने ईवीएम वाली खबर को गलत बताते हुए खेद जताया है, तो ईवीएम पॉलिटिक्स और इससे गर्मा उठी है। दरअसल एनडीए ने राहुल को कहा है कि राहुल माफी मांगे, तो कांग्रेस ने पलटवार में कई चीजें जो है गिनवाई है। रिपोर्ट दिखाते हैं। मुंबई की एक मीडिया रिपोर्ट जांच पड़ताल के बिना कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक दिन पहले ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा किया था। उस खबर के गलत पाए जाने पर मीडिया हाउस ने खेद जताया है, तो इस पर महाराष्ट्र से दिल्ली तक राजनीति गरमा गई। देश में भारत के प्रधानमंत्री बनने का जो ख्वाब संजोए बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी जी, वो एक फेक नैरेटिव को, एक झूठी खबर को आगे बढ़ाने के लिए माफी मांगे। शिवसेना उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट जो पहले जीत रहे थे उनको हरा दिया, एक बार 2200 वोट से जीते, फिर रिकाउंटिंग हुई एक वोट से जीते, फिर रिकाउंटिंग हुई 48 वोट से, शिंदे गुट के कैंडिडेट को जिता दिया। तो ऐसी कम से कम 80 सीटें हैं देश भर में जो संदेह के घेरे में है। अगर एक टेक एक्सपर्ट कह रहे हैं जिनकी पूरी कंपनी जो है टेक इनोवेशन पे है, अब वो कह रहे हैं उसको सीरियसली लेना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन को निर्णय लेना पड़ेगा। सीजर्स वाई शुड बी अबाउट सस्पेशन, अगर जनता के मन में है, पॉलिटिकल पार्टीज के मन में है, तो आप ही आप जनता को विश्वास दिलाइए कि ये मैनिपुलेट नहीं। लेकिन मेरे 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 फायदे का होगा तो मेरे को बढ़िया लगता है, मेरे नुकसान का होगा तो फिर ईवीएम को गाली दो, ऐसा थोड़ी होता है। आपको बता दें कि उत्तर पश्चिम मुंबई सीट पर 48 वोटों से एनडीए उम्मीदवार रविंद्र वायकर की जीत के बाद ईवीएम का विवाद गरमाया है। इस केस में विपक्ष ने ईवीएम को ओटीपी से अनलॉक करने का आरोप लगाया था, जिसे मुंबई के एक अखबार ने छाप भी दिया। अखबार ने तो भ्रामक खबर छापने की गलती मान ली है, चुनाव आयोग ने भी साफ कह दिया ऐसा मुमकिन नहीं, लेकिन राहुल अड़े हैं। कल उन्होंने ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बताया था, अब उन्होंने नए बयान में कहा है चुनाव आयोग को तो मशीनों और प्रक्रियाओं की पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए या उन्हें हटा देना चाहिए। वार पलटवार की सियासत के बीच खबर ये है कि कांग्रेस उत्तर पश्चिम मुंबई सीट के चुनाव नतीजों को अदालत में चुनौती देने जा रही है। और मणिपुर हिंसा पर बड़े एक्शन की तैयारी है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी बैठक की है और अब एक्शन प्लान बताया जा रहा है कि तैयार है। मणिपुर के लोगों की सुरक्षा तय करेगी केंद्र सरकार। जाति विभाजन पाटने के लिए यहां पर बड़ी पहल पर मुहर लगा दी गई है, जहां पर हिंसा करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय मणिपुर में जातीय विभाजन को पाटने के लिए जल्द से जल्द ही मेईती और कुकी दोनों समुदाय से बात करने वाले हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गृह मंत्रालय मणिपुर में जातीय विभाजन को दूर करने के लिए जल्द से जल्द मैती और कुकी समुदाय से बातचीत करेगा। मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करते हुए शाह ने निर्देश भी दिए कि पूर्वोत्तर राज्य में हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि अगर आवश्यकता हुई तो केंद्रीय बलों की तैनाती और बढ़ाई जाएगी। राज्य में शांति और सौहार्द बहाल करने के लिए उन्हें रणनीतिक रूप से तैनात किया जाना चाहिए। और नीट परीक्षा से जुड़ी जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में आज नीट परीक्षा मामले में सुनवाई होनी है। नीट परीक्षा रद्द करने की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मोरल एजुकेशन के सीईओ ने सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी दाखिल की है जिस पर आज सुनवाई होनी है। 24 लाख छात्रों का मामला बताया गया है, दोबारा परीक्षा करवाई जाए ये अर्जी लगाई गई है जिस पर आज सुनवाई होनी है। नीट मामले में आज देश में इंडी गठबंधन का प्रदर्शन भी होना है। आम आदमी पार्टी ने बयान जारी कर कहा है कि आज सुबह 10 बजे दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाएगा। राज्यों की राजधानियों में भी आप कार्यकर्ता जो है वो प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन हैदराबाद में भी होगा, जहां के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस ने नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच की मांग की है।
हरियाणा के झज्जर से खबर है, जहां बताया जा रहा है दो डंपर में अचानक से आग लग गई है और आग लगने से दोनों डंपर जलकर खाक हो गए। आपको बताते हैं ये हादसा कैसे हुआ, किसकी लापरवाही की वजह से हुआ और आग पर काबू कैसे पाया गया, इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा के झज्जर में दो ट्रकों के बीच टक्कर के बाद भीषण आग लग गई, जिसके बाद हाईवे पर ट्रक धू धू कर जलने लगे। बताया जा रहा है कि दोनों ट्रकों के बीच आमने सामने की टक्कर हुई, जिसके बाद दोनों ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गए। आग इतनी तेजी से फैली कि बचाव करने का किसी को मौका तक नहीं मिला और देखते ही देखते दोनों ट्रक खाक में तब्दील हो गए। दूर से ही काले धुएं का गुबार आसमान छूता दिखाई दिया। जानकारी के मुताबिक झज्जर में जहाजगढ़ छूचकवास रोड पर यह हादसा हुआ और एक डंपर का ड्राइवर इस हादसे में जिंदा जल गया। हालांकि दूसरे ट्रक चालक ने ट्रक से कूद कर अपनी जान बचा ली और मौके से फरार हो गया। हादसे के चलते सड़क पर दोनों तरफ जाम लग गया। आग की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई जा सकी। हालांकि तब तक दोनों ट्रक जलकर खाक हो चुके थे। पुलिस के मुताबिक रेत से भरा एक डंपर छूचकवास से जहाजगढ़ की ओर जा रहा था, दूसरी तरफ से खाली डंपर आ रहा था। इस दौरान ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और फिर दोनों डंपर आपस में टकरा गए और देखते ही देखते दोनों ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गए। और जो लोग उत्तर भारत में रह रहे हैं वो जानते हैं कि कितनी भीषण कितनी भयानक गर्मी इस बार पड़ रही है, और खास करके राजधानी दिल्ली की बात करें तो मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों को गर्मी से राहत अभी फिलहाल नहीं मिलती हुई नजर आ रही। जाहिर सी बात है, हम जब ये बुलेटिन कर रहे होते हैं उस वक्त भी काफी गर्मी महसूस होती है और हमें भी लग रही है कि बारिश हो जाए तो थोड़ी राहत हमें भी मिले। देखिए, जो लोग राहत की उम्मीद लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, वहां भी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत भारी संख्या में पर्यटक जो है पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं। क्या परेशानी उनके सामने आ रही है और इस वक्त वहां पर स्थिति क्या है, सब कुछ इस रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाके भीषण गर्मी का प्रकोप झेल रहे हैं। सोमवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मंगलवार यानी आज के लिए मौसम विभाग ने गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। आज भी दिल्ली में तापमान 45 डिग्री के पार जा सकता है। गर्म हवाओं ने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो 19 जून तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश में लू चलने की आशंका है। वहीं इस भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। नतीजा ये है कि लंबा जाम देखने को मिल रहा है। बीते चार दिनों से पर्यटकों के साथ वाहनों की संख्या बढ़ने से जगह जगह लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा है। वहीं होटलों की ऑक्यूपेंसी 100% तक पहुंच गई है। सोलन ये जगह है जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह जो गाड़ियों की लंबी कतारें, आप देख सकते हैं कई जगह पे जो है गाड़ियां स्टक हो गई हैं, आप देख सकते हैं किस तरह जो है, और अगर चल भी रही है तो रेंग रेंग कर चलने के लिए मजबूर है, आप देख सकते हैं किस तरह जो है। और यहां पे पुलिस कर्मी को भी तैनात किया गया है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। और आपको ये भी बता दें कि जिस भारी संख्या में टूरिस्ट जो है हिमाचल आ रहे हैं तो जगह जगह काफी ज्यादा पुलिस जो है डिप्लॉय की गई है ताकि जो ट्रैफिक जाम को कंट्रोल कर सके। कालका शिमला नेशनल हाईवे नंबर 5 पर जाम से लोग हलका नजर आ रहे हैं। लोगों को घंटों तक जाम में फंसना पड़ रहा है। समस्या आ रही है मैम, 5 किलोमीटर पीछे से लंबा जाम है। एक ये खड़े भाई साहब बस जो निकलवा रहे हैं, कोई प्रशासन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, पंजाब और हरियाणा से पर्यटक हिमाचल के अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं और चिलचिलाती गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा, मतलब शाम को हम लोग जिस तरह से बैठे थे, वो ब्रीज चल रही थी, इट वाज अमेजिंग, वंडरफुल। हालांकि मौसम विभाग ने 19 जून के बाद भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने का अनुमान जताया है। और बात गर्मी की हो रही है तो गर्मी का कहर बिहार के जहानाबाद में भी देखने को मिला है, जहां बताया जा रहा है लू लगने से 5 लोगों की मौत हो गई है। 2 दिनों में 5 लोगों की जान चली गई है। अरवल में गर्मी से 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है।
तो जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। बिहार के जहानाबाद में सोमवार को लू लगने से अलग अलग जगहों पर एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई। शनिवार और रविवार को भी लू लगने से दो लोगों की मौत हुई थी। दो दिन में जहानाबाद में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अरवल की बात करें तो गर्मी से 2 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। घर पे एक भाई गर्मी से उनका तबियत गड़बड़ा गया, हम लोग सकुराबाद लेके आए, उसके बाद सकुराबाद से सीरियस पोजीशन देखते हुए वहाँ से रेफर कर दिया, आते आते यहाँ मृत्यु हो गई। सर जी ठेला पे मतलब दुकान की हुए थे, दुकान से आ रहे थे तो गिर गए एक भाई, तो हॉस्पिटल ले जाते डेड कर गए। तो देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर इस वक्त आग बरस रही है, गर्मी से लोग दो चार हो रहे हैं। तो वहीं पहाड़ी इलाकों की बात करें तो सैलानी काफी खुश हैं क्योंकि वो तो बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। अब देखिए आग जहां बरस रही है वहां भी आफत, और जहां बारिश हो रही है वहां भी लोगों की मुसीबतें जो है बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि जिन राज्यों में बारिश हो रही है वहां लैंडस्लाइड का खतरा जो है वो बना हुआ है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। देश के कई राज्यों में गर्मी कहर बरपा रही है, वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। तस्वीरें सिक्किम की हैं जहां कुदरत का कहर देखने को मिला। भारी बारिश के चलते मंगन के लाल बाजार में लैंडस्लाइड हुआ और देखते ही देखते सड़क बह गई। ये सड़क कई जिलों को आपस में जोड़ती है। वहीं लैंडस्लाइड के चलते कार खाई में गिर गई। इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गुजरात और असम में आसमान से आफत बरस रही है। असम के गुवाहाटी में जोरदार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जगह जगह जलभराव के हालात देखने को मिले। अनिल नगर और चांदमारी में बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। वहीं गुजरात के द्वारका में भारी बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे आने जाने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक और बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा रखी है। वहीं हिमाचल में हो रही बर्फबारी से सैलानी और स्थानीय लोग खासे खुश नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल गए। बारालाचा पास में हुई ताजा बर्फबारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अगली खबर जो है यूपी की राजधानी लखनऊ से है, जहां कुकरैल नदी में बताया जा रहा है उसके आसपास बने अवैध मकानों को बुलडोजर एक्शन के तहत ढहाने का काम जारी है। 9वें दिन भी ये एक्शन देखने को मिला। अब कब खत्म होने वाला है बुलडोजर वाली कार्रवाई, कितना काम अभी वहां पर रह गया है, और साथ ही इस अवैध निर्माण के हट जाने के बाद वहां पर क्या निर्माण कार्य शुरू होगा, वो जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आ रहा है। लखनऊ के अकबर नगर में बाबा का बुलडोजर अवैध अतिक्रमण पर कहर बरपा रहा है। अकबर नगर 1 और 2 में 9वें दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी रहा और अवैध अतिक्रमण को मलबे में तब्दील कर दिया गया। शहरों में नदियों से जिंदगी होती है, लेकिन थोड़े से लालच में लोग उस जिंदगी का गला घोट देते हैं। कुकरेल नदी के साथ यही किया गया, लेकिन अब इस जिंदगी को बहाल करने का इरादा योगी सरकार ने जब बनाया तो तस्वीर कुछ ऐसी दिखी। यहां पर अकबर नगर फर्स्ट इलाका माना जाता है और लगभग 250 की संख्या में घर एक पोर्शन में, 250 दूसरे पोर्शन में और 250 300 पोर्शन में, तो कुल मिलाकर लगभग 750 घर यहां पर हुआ करते थे। सभी को बुलडोज कर दिया गया है, धर्मस्थल बचे हैं जिन्हें धीरे धीरे करके उन्हें भी बुलडोज किया जाएगा। कुछ मंदिर थे जहां से मूर्ति स्थापित दूसरी जगह की गई है, उन मंदिरों को भी हटाया जाएगा। अगले एक हफ्ते में यहां बुलडोजर की कार्रवाई खत्म हो सकती है, जिसके बाद यहां रिवर फ्रंट का काम शुरू होगा। अकबर नगर सेकंड में कार्रवाई अभी की जा रही है। कोशिश ये है प्रशासन की कि इस एक हफ्ते के भीतर पूरे इलाके को समतल कर दिया जाए और फिर शुरू हो काम कुकरेल नदी के पुनरुद्धार का। रिवर फ्रंट नाम से एक योजना बनाई गई है, नगर विकास विभाग उसको लीड करेगा और उसमें खूबसूरत तट होंगे, जो बाकी फैसिलिटी होती है पार्क वो होंगे, अच्छी लाइटें होंगी और इसमें सारदा कैनाल का पानी छोड़ा जाएगा जो सीधे जाकर गोमती नदी में मिल जाएगा।
कुकरैल नदी के जीवित होने से गोमती नदी को भी फायदा होगा और शहर को कुदरती खूबसूरती का तोहफा मिल सकेगा। 25 सालों से नाले में तब्दील हो गई है, पूरे शहर की जो गंदगी है वो इसी नदी में आती है और ये जो पानी है वो सीधे गोमती नदी में चला जाता है। तो गोमती नदी का जो रिवर फ्रंट योजना थी वो भी परवान नहीं चढ़ पा रही। अगर कुकरैल नदी में प्राण आ जाएंगे तो गोमती नदी भी अपने पुराने स्वरूप में बहाल हो सकेगी, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी था कि इस पूरे इलाके को खाली कराया जाए। पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है और इस एक हफ्ते के भीतर पूरे जो इलाका है उसको समतल कर लिया जाएगा। कैमरामैन सत्यदेव सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत, लखनऊ। और बड़ी खबर गुजरात से मिल रही है जहां ड्रग तस्करों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। यहां बताया जा रहा बड़ी मात्रा में ड्रग पकड़ा गया है, 3 दिन में 40 करोड़ की ड्रग्स जो है वो जब्त हुई है। तो बड़ी खबर गुजरात से सुजी और तटीय पुलिस का साझा ऑपरेशन ये चलता रहा जिसके बाद ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुजरात में करोड़ों की ड्रग्स बरामद कर ली है 3 दिन के अंदर। बताया जा रहा है कि 40 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स जब्त की है। तो ड्रग्स के 81 पैकेट जो है वो जब्त किए गए हैं। एसओजी और तटीय पुलिस ने ये कार्रवाई की है जिसमें बताया जा रहा है कि 81 पैकेट ड्रग्स जो है वो पकड़े गए हैं जिसकी कीमत 40 करोड़ बताई जा रही है। 3 दिन में 40 करोड़ की ड्रग्स जो है वो जब्त की गई है। गुजरात में इन दिनों ड्रग्स तस्करों के ऊपर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। इनपुट जो मिल रहे हैं उसके आधार पर एसओजी और तटीय पुलिस ने ये ऑपरेशन को अंजाम दिया है और ड्रग्स के 81 पैकेट पकड़े गए हैं।